What's up beautiful people, it's your boy Bilal Muhammad and welcome back to another video guys. तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है. आज मैं अपने दो पेट्स को इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने चैनल पे और वो पेट्स है इस बॉक्स के अंदर, इस बास्केट के अंदर. So guys, here is my first pet. Let me just open the basket. Here comes Ash. She is almost like 9 to 10 months old. बहुत ही छोटी थी जब मैं इसको लाया था. Like she was somewhere around 20 days old. तो you know that जो बच्चों को पिलाते हैं दूध बॉटल, उसमें मैं इसको फीड कर रहा था. Now she has grown old, around 9 to 10 months old. इसका कलर, अगर कलर की बात करूँ तो this is similar to the Tom color, Tom and Jerry. तो नाम भी उसको ऐसे रख के हूँ इसके कलर के ऊपर, लाइक ऐश कलर थोड़ा मैचिंग है कलर और उसका नाम. तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा फर्स्ट पेट. So guys, meet my second pet. It's he. Okay, here is the Snowbell. It's a Persian cat. Say hi, Snowbell. Hi. Now the age of this might be around like 1 month plus. I had got this a month back. My dad's friend had gifted this. So you can see. बहुत ही शैतान है बच्चा, एक जगह बैठना नहीं है. If I speak about the food, मैं उनको दे रहा हूँ मियाओ का, जो पर्शियन के लिए सेपरेट आता है मियाओ में, उसमें नॉर्मल भी आता है लेकिन मैं दे रहा हूँ पर्शियन का बिकॉज माई कैट्स आर पर्शियन. सो दिस इज समथिंग एंटी हेयरफॉल. फूड पे ऐसे मैंशन भी करा होगा. दिस कॉस्ट यू अराउंड लाइक समथिंग अराउंड 400 रुपीज फॉर 1.1 kg. पहले प्राइस बहुत कम था, इट वॉज समथिंग लाइक 360 रुपीज़. बाद में बहुत कुछ लाइक लॉकडाउन में वगैरह फूड का शॉर्टेज होने की वजह से तो प्राइजेस भी इंक्रीज हो गया इसका. तो दिस कम्स फ्रॉम ताइवान, ताइवान मेड है फूड इसका, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्राइजेस में भी बहुत जल्दी हाइक हो गया. तो आप देख सकते हो मेरे ऐश को इधर पे.
हाँ लाइक अगर फूड की बात करूँगा तो मैं लाइक ये भी देता हूँ जो इसका ड्राई फूड, दिस इज ड्राई फूड, इसमें वेट फूड भी आता है लाइक अलग अलग ब्रांड्स के, जो विस्कस हो गया या मियाओ हो गया, तो उसमें लाइक क्रीमी बाइट्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट आता है, तो यू कैन फीड एनी थिंग फॉर दैट वीकली वंस या ट्वाइस, इट्स डिपेंड्स ऑन यू लाइक हाउ यू वॉन्ट टू मेंटेन योर कैट. तो यू कैन सी द हेयर्स, द इतना इजी टू मेंटेन नहीं है ये पर्शियन कैट को मेंटेन करना, थोड़ा बहुत इनको टाइम भी देना पड़ता है, लाइक वी नीड टू डू कॉमिंग एवरी डे, ईजी टू मेंटेन नहीं है सच बताऊँ तो. इनका लिटर, अगर लिटर के बारे में बात करूँ तो लिटर भी सेपरेट आता है, तो उसके लिए आपको सेपरेट लिटर टब आता है तो वो लेना पड़ेगा अलग से, इनका लिटर आता है जो सॉइल वो अलग से लेना पड़ेगा, और स्पेशली जो वाइट कलर आप देख सकते हो स्नोबेल को, वो तो ज़्यादा ही मस्ती करता है, तो उसका तो देख सकते हो वाइट कलर है, बहुत ही जल्दी गंदा भी होता है, तो उसके लिए अलग से मेंटेनेंस है, जब उनको नहलाते हो तो उसका शैम्पू वगैरह अलग आता है. थोड़ी पास से बताता हूँ आपको, स्नोबेल नहीं ये सुनने वाला नहीं आज. सो गाइज दिस वॉज माई फर्स्ट कैट, मैंने दांडली से लाया था इसको, मेरे एक फ्रेंड थे उधर पे तो उन्होंने मेरे को दिया था, तो जब मैं लिया था ये इसका खाली एक आंख ओपन था, अगर मेरे को पुराना वीडियोस मिला तो इसका जब ये छोटा था तो वो भी बता दूंगा आपको, इधर पे पोस्ट कर दूंगा किधर, तो आप देख सकते हो इसका कलर कितना यूनिक है. तो इसका अगर हेयर कोटिंग के बारे में बात करूँ तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है कौन सा कोट का है, क्योंकि उसमें भी ट्रिपल कोटिंग रहता है ना, मतलब वन डबल और ट्रिपल, तो कोटिंग के बारे में उतना पता नहीं. अगर फेस के बारे में बात करूँ तो फेस दोनों भी डॉल है, डॉल. हाँ अगर फेस में बात करूँगा तो उसमें तीन टाइप के फेस आते हैं लाइक पंच, सेमी पंच एंड डॉल, तो मेरा जो भी पर्शियंस है वो दोनों भी डॉल फेस के है. देख सकते हो कितना मस्ती करता है वो स्नोबेल, वाइट था कलर जब मैं इसको टेरेस पे लाया था, अब देख सकते हो इतना गंदा लगा के पूरा कलर ये कर दिया उसका, अब फिर उसको नहलाना पड़ेगा. ये हमारी थोड़ी ऐश, थोड़ा इनोसेंट है, मतलब थोड़ी इनोसेंट है कंपेयर टू स्नोबेल, वो बहुत मस्ती करता है. अगर मैं उसके फेस के बारे में बात करूँ तो वो है डॉल फेस, तो इसको मैंने लिया था बेंगलोर से, बेंगलोर जो मेरे डैड की फ्रेंड है उन्होंने मेरे को ये दिया था. देखो फिर मस्ती कर रहा है उधर पे जाके. तो गाइस आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो वाज मच मोर इन्फॉर्मेटिव. If you are willing to keep Persian, you can just take a proper care for them. So guys, it's time to end the video here. Don't forget to hit a like, comment down below, share it with your friends and do subscribe. And मेरे को बताना कौन सा pet आपको अच्छा लगा मेरे इसमें, like Snowbell या Ash, comment करके ज़रूर बताना.